नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को भेजा एक और नोटिस, सुरक्षा बलों पर गलत बयानबाजी का है आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चुनाव ड्यूटी पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार रात जारी नोटिस में कहा गया है कि केंद्रीय बलों के खिलाफ टिप्पणी कर ममता बनर्जी ने भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं का उल्लंघन किया है। मुख्यमंत्री को शनिवार दिन में 11 बजे तक नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया है। आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी के गलत भड़काव और तीखे बयानों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की गरिमा को गिराना और अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्रीय बलों पर मतदाताओं को डराने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि केंद्रीय बलों का व्यापक दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद चुनाव आयोग एक मुख दर्शक बना हुआ है, जबकि कई जगहों पर केंद्रीय बलों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो TMC मतदाताओं को खुलेआम डराने और एक पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा था कि जब तक CRPF भाजपा के लिए काम करना बंद नहीं करती, तब तक उनके हस्तक्षेप के खिलाफ बोलती रहूंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते COVID-19 के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया है कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी स्कूल सरकारी और प्राइवेट और सभी कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है। 8 अप्रैल को बीते एक दिन में दिल्ली में कुल 7,437 नए केस दर्ज किए गए, जो इस साल का सबसे ज्यादा है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हर रोज औसतन 5,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, लेकिन अब तो यह आंकड़ा 7,000 को भी पार कर गया है। दिल्ली में बीते दिन 24 लोगों की भी मौत हुई है। ऐसे में सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। इसी महासंकट को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के PM मोदी पर वार पर BJP का करारा जवाब, रविशंकर प्रसाद बोले राजनेता के रूप में है नाकाम। जी हां दोस्तों, राफेल मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ट्वीट के जरिए PM नरेंद्र मोदी पर किए गए वार पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी के इस वार पर केंद्रीय मंत्री और BJP नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि दीर्घकालीन राजनेता के रूप में नाकाम होने के बाद क्या राहुल गांधी फुल टाइम लॉबिंग करने लगे हैं? पहले उन्होंने भारत की अधिग्रहण प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए फाइटर प्लेन कंपनियों की पैरवी की और अब वे विदेशी वैक्सीन के लिए फार्मा कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि प्यारे स्टूडेंट्स, PM ने कहा है कि बिना किसी डर और नर्वसनेस के जवाब दीजिए, कृपया उनसे यह सवाल पूछिए, राफेल करप्शन स्कैंडल में धन किसने लिया, कॉन्ट्रैक्ट में से एंटी करप्शन क्लोज किसने हटाया, रक्षा मंत्रालय के अहम दस्तावेजों की मिडिलमैन को पहुंच किसने दी। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले वैक्सीनेशन के मसले पर भी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा था कि जरूरत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन हर किसी के लिए होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान नेता राकेश टिकैत के ताजा बयान से फिर बढ़ने वाली है दिल्ली NCR के लोगों की टेंशन। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सिंधु, कुंडली और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान सरकार के विरोध में जमे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि आज कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे जाम किया जाएगा। किसानों की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये बताया गया है कि संयुक्त मोर्चा के
आह्वान पर आज सुबह 8 बजे से 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम किया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर की बैठक में इस पर विचार करके इसमें निर्णय लिया गया है कि इस क्रम में आज डासना पर जाम किया जाएगा। डासना में राकेश टिकैत भी शामिल रहेंगे। जाम में सब वाहन, एम्बुलेंस आदि वाहन, आवश्यक वस्तु वाहन को छूट दी जाएगी। अगर महिलाओं की गाड़ी फंस जाती है तो उनको नीचे उतरने की छूट दी जाएगी। राकेश टिकैत ने भी जनता से अपील करते हुए कहा है कि आज के एमपी का प्रयोग ना करें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल बंद, निजी ऑफिस में हो 35% की उपस्थिति। जी हां दोस्तों, बिहार में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है। यही नहीं, राज्य के सभी धार्मिक स्थल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। बिहार आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही सभी धार्मिक स्थल भी 30 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगे। साथ ही राज्य में प्राइवेट ऑफिस में 35% उपस्थिति का आदेश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्षमता के 50% ही होंगे। वहीं प्रबंधन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने बताया है कि सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल को छूट है और 25% बैठने की क्षमता पर काम कर सकते हैं, जबकि सिनेमा हॉल में भी क्षमता के 50% लोग ही आ सकते हैं। आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टूट गए सारे रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटों में सामने आए 1.31 लाख नए मामले। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस से हालात खराब होते जा रहे हैं और पिछले 5 दिनों में चौथी बार 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के सारे रिकॉर्ड टूट गए और 1.31 लाख मामले सामने आए हैं। इससे पहले गुरुवार को देश भर में कोरोना वायरस के 1.26 लाख नए मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,31,968 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 780 लोगों की जान गई है। इसके बाद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,30,60,542 हो गई है और 1,67,642 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना का टीका लगवाएं और 30 जून तक दिल्ली में 5% प्रॉपर्टी टैक्स बचाएं। जी हाँ दोस्तों, देश में एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को कोरोना टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर सरकारें और प्रशासन कई तरह के कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में भी एक स्थानीय निकाय ने ऐसा ही कदम उठाया है, जो कोरोना टीका लगवाने वालों को संपत्ति कर पर 5% की छूट दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने बताया है कि जो भी 45 साल से ऊपर का व्यक्ति अपना और अपने परिवार के सदस्यों का कोविड टीकाकरण कराएगा, उसे संपत्ति कर भरने पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसे 15% की छूट मिल रही है, वह बढ़कर 20% हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना काल में इनकम टैक्स से भर गई सरकार की झोली, अनुमान से ज्यादा हुआ कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, कोविड वाले साल में भी सरकार का इनकम टैक्स से ज्यादा राजस्व संग्रह बढ़ा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के मुताबिक 2020-21 का प्रत्यक्ष कर संग्रह इससे पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 5% तक अधिक है। CBDT के आंकड़ों के अनुसार सरकार के कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कॉरपोरेट से होने वाली आय 4.57 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि आम लोगों की ओर से व्यक्तिगत इनकम टैक्स के रूप में 4.88 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें प्रतिभूति ट्रांजेक्शन टैक्स भी शामिल है। CBDT ने बताया कि सरकार ने 2020-21 के लिए इनकम टैक्स से आय का अनुमान 9.05 लाख करोड़ रुपए रखा था, जबकि उसे प्राप्त 9.45 लाख करोड़ रुपए हुए हैं। इस तरह सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान का 104.46% हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। AIMPLB को पसंद नहीं आया ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू पर कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट में देगा चुनौती।
जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। बोर्ड ने इस फैसले को 1991 के प्लेस ऑफ वर्कशिप एक्ट के खिलाफ बताते हुए ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है। आपको बता दें दोस्तों, बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ वकील जफर याब जिलानी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के इस फैसले को साल 1991 के प्लेस ऑफ वर्कशिप एक्ट के खिलाफ बताया और कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देंगे। जिलानी ने कहा कि वहां 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, यह बात अदालत मान चुकी है और आज नहीं पहले ही मान चुकी है, फिर इस तरह के फैसले देने का क्या तुक बनता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चाइना के युवाओं को कोरोना से मौत का डर, समय से पहले लिख रहे हैं अपनी वसीयत। जी हां दोस्तों, चीन रजिस्ट्रेशन सेंटर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के डर से चीन के युवक अपनी वसीयत लिख रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में युवा अपनी वसीयत समय से पहले तैयार करवा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, साल 1990 के बाद पैदा होने वाले लोगों ने साल 2019 से 2020 तक पिछले कई सालों के मुकाबले 60% से ज्यादा अपनी वसीयत लिखी है, ऐसा चीनी रजिस्ट्रेशन सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया है। एक न्यूज आर्टिकल में यह भी लिखा है कि मौत के बारे में चर्चा करना चीनी समाज में टेबू माना जाता है, यह लोगों के बीच टकराव का विषय बन सकता है। वहीं चीनी वसीयत ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर यांग इंगवी ने कहा है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी ने युवाओं को मौत के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है और उन्हें इस बात की चिंता है कि मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसलिए वो वसीयत बनवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप की 99 साल की उम्र में मौत, विंडसर महल में ली आखिरी सांस। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के शाही घराने के सबसे वरिष्ठ सदस्य और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई है। वो 99 साल के थे, उन्होंने शाही विंडसर महल में अपनी आखिरी सांसें ली। प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भी कहा जाता था क्योंकि यह उनकी आधिकारिक पदवी थी। अब महारानी एलिजाबेथ शाही परिवार की सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। डेली मेल की खबर के मुताबिक प्रिंस फिलिप आखिरी बार साल 2017 में सार्वजनिक तौर पर नजर आए थे, इसके बाद से उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली थी। वो लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और विंडसर पैलेस में ही रहा करते थे। विंडसर पैलेस के अलावा वो महारानी विक्टोरिया के नॉफॉक स्थित निजी सैंड्रिगम इंस्टेंट तक ही सीमित रहते थे। पिछले महीने वो 28 दिनों तक सीने में संक्रमण की वजह से अस्पताल में रहे थे और फिलहाल महल में लौट आए थे। प्रिंस फिलिप की मौत की पुष्टि बर्किंगम पैलेस से जारी बयान के बाद हुई है, जिसमें लिखा गया है कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग यानी के प्रिंस फिलिप की मौत हो गई है। शाही राजघराने की मुखिया के तौर पर महारानी ने खुद इसकी पुष्टि की है कि उनके पति अब दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति के चलते नई फिल्मों की रिलीज रुकी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच राज्य में फिल्म प्रोड्यूसरों ने कई फिल्मों की रिलीज स्थगित कर दी है। इसमें कई बिग टिकट मूवी भी शामिल है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का 50% अकेले महाराष्ट्र से आता है, इसलिए इस कदम को इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि दूसरे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स और थिएटर में आने वाले लोगों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। जिन शहरों में प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू अथवा वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया है, वहां फुटफॉल में भारी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हिंदी भाषी राज्यों में सूर्यवंशी और बंटी और बबली 2 जैसी फिल्मों की रिलीज को स्थगित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बंगाल में सिनेमा हॉलों में 100% एक्यूपेंसी की अनुमति के बावजूद नई फिल्मों की रिलीज टलने की खबर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य में शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक का वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। ऐसा राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण करने के लिए किया गया है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें जारी रहने की उम्मीद है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में 1-2 मध्यम बारिश के साथ छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग हल्की बारिश हो सकती है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों रुपए के मूल्यों में गिरावट आने के चलते दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 97 रुपए मजबूत होकर 46,247 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। PTI की खबर के मुताबिक पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं PTI की खबर के मुताबिक इसके विपरीत चांदी का भाव 275 रुपए की गिरावट के साथ 66,253 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गया है। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 66,528 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कंगाल पाकिस्तान को IMF की रिपोर्ट ने दिया झटका, चीन से लेना पड़ेगा और कर्ज। जी हां दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है तो वहीं अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिससे देश में सरकार की टेंशन और बढ़ गई है। पाकिस्तान ने IMF के ऋण कार्यक्रम के तहत 6 महीने में करीब 1 दर्जन शर्तों को पूरा किया है, लेकिन नकदी संकट से जूझ रहे इस देश की आर्थिक स्थिति अभी भी चीन से मिलने वाले 11 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता पर टिकी है। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल समाचार पत्र ने शुक्रवार को कहा कि वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गुरुवार को 6 अरब डॉलर के ऋण कार्यक्रम के लिए अपनी स्टाफ स्तर की रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान सरकार अक्टूबर से अब तक बिजली की कीमतों में 5.65 रुपए प्रति यूनिट या 36% बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। ऋण प्रबंधन योजना के मुताबिक इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर जून 2023 तक 884 अरब रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा सरकार जून में IMF की शर्तों के तहत GDP के 1.1% या 600 अरब रुपए के बराबर नए कर लाएगी। ये शर्तें उन 11 कार्यवाहियों में शामिल हैं जिन्हें सरकार को इस साल सितंबर तक पूरा करना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को ताइवान की खुली चुनौती, ड्रैगन से आखिरी जंग तक लड़ने को तैयार है देश, अमेरिका भी होगा साथ। जी हां दोस्तों, ताइवान और चीन के बीच दुश्मनी जंग जाहिर है। एक तरफ जहां चीन ताइवान पर अपना अधिकार जताता है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। यही वजह है कि दोनों के बीच तीखी बयानबाजी से लेकर डराने और धमकाने की बात भी होती रहती है। यह सिलसिला अब भी जारी है। दरअसल चीन के तानाशाही रवैये से परेशान ताइवान ने साफ कर दिया है कि यदि चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपने फाइटर जेट भेजे और उसकी धरती पर हमला किया तो ताइवान भी चुप नहीं बैठेगा। ताइवान चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा और वो अंतिम लड़ाई तक लड़ने के लिए तैयार है। ताइवान ने यह जवाब चीन के उस कदम के बाद दिया है जिसके तहत बुधवार को ड्रैगन के लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे। चीन का यह रवैया इसलिए भी है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ताइवान अमेरिका से बेहतर संबंध स्थापित करे। वहीं ताइवान और अमेरिका लगातार नजदीक आ रहे हैं। ताइवान को अमेरिका हथियार की सप्लाई कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिर्फ 47 रुपए में 28 दिन कॉलिंग और रोजाना 1 GB डाटा का ऑफर दे रही है यह कंपनी। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कम पैसों में महीने भर अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 1 GB इंटरनेट का लुफ्त उठाना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने हाल ही में अपना सबसे सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। सिर्फ 47 रुपए में मिलने वाले इस प्लान के तहत BSNL यूजर्स को 28 दिन अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 1 GB इंटरनेट और 100 SMS मिलेंगे। माना जा रहा है कि BSNL के इस छोटे रिचार्ज कूपन से एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। BSNL के इस ऑफर को कुछ लोग मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस जगह पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।